हेलो दोस्तों, हम बात कर रहे थे दुनिया के उन 20 देशों के बारे में जहां भारतीय फ्री में जा सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की मालदीव्स के बारे में और इस वीडियो में हम जानेंगे अफ्रीका के सबसे अमीर देश के बारे में, जिसे मार्क टॉन ने कहा था कि जन्नत को इस देश की कॉपी करके बनाया गया है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपका मोस्ट वेलकम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मॉरिशस के बारे में। मॉरिशस एक आइलैंड देश है। मॉरिशस मडगास्कर से 1000 किलोमीटर और इंडिया से 4000 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में मौजूद एक छोटा सा देश है। मॉरिशस में इंडिया, चाइना, फ्रांस और ब्रिटेन के लोग रहते हैं। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी, लेकिन यहाँ पर अलग अलग चेहरे, रंग, हाइट, धर्म और भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर सब साथ मिलजुल कर रहते हैं। मॉरिशस में 17% मुस्लिम, 25% ईसाई और इस देश की आधी आबादी यानी करीब 48% हिंदू धर्म को मानने वाले रहते हैं। और इसी के साथ ये अफ्रीका का पहला और इंडिया और नेपाल के बाद दुनिया का तीसरा हिंदू मेजोरिटी वाला देश है। इस देश की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर अगर किसी एक धर्म का त्यौहार होता है तो सारे धर्म के मानने वाले उसे मिलकर एक साथ मनाते हैं, जैसे दिवाली, क्रिसमस और ईद वगैरह। मॉरिशस की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और फ्रेंच है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ की तीसरी बड़ी लैंग्वेज भोजपुरी है। भारतीयों का ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर भोजपुरी और हिंदी, ये दोनों भाषा भी बोली जाती है। ये वो लोग थे जिन्हें ब्रिटिश भारत से मॉरिशस मजदूर बनाकर लाए थे, फिजी की तरह। मॉरिशस की राजधानी और यहाँ का सबसे बड़ा शहर पोर्ट लुइस है, और पोर्ट लुइस में बहुत सारी चीज़ें देखने लायक हैं। मॉरिशस की करेंसी रुपया है और मॉरिशस का एक रुपया भारतीय 2 रुपये के बराबर होता है। मॉरिशस में 91% पढ़े लिखे लोग रहते हैं। मॉरिशस में 12.5 लाख लोग रहते हैं और आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 156 नंबर पर आने वाला देश है, और क्षेत्रफल के हिसाब से ये दुनिया का 170 नंबर पर आने वाला छोटा देश है। मॉरिशस के बीचेस को 2012 में वर्ल्ड बेस्ट बीचेस का अवार्ड भी मिल चुका है। मॉरिशस के बीचेस इस देश की जान है, और यहाँ के खूबसूरत बीचेस को देखने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट यहाँ अपनी बिजी लाइफ को सुकून देने आते हैं। यहाँ के समंदर में रंग बिरंगी मछलियाँ और तरह तरह के जंजीर पाई जाती हैं। मॉरिशस चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर नीले नीले समंदर, हरे भरे पहाड़, सफ़ेद रेत से ढके समंदर की बीचेस देखकर लोग दंग रह जाते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर वाटरफॉल, 7 कलर्ड अर्थ जो 7 अलग अलग रंगों से ढका हुआ है, और भी बहुत सारे नज़ारे टूरिस्ट को यहाँ हैरान कर देने वाले हैं। अगर आप इंडियन हैं तो ये देश आपको बहुत भाएगा, क्योंकि आपको यहाँ उत्तर प्रदेश जैसे गन्ने के बड़े बड़े खेत, महाराष्ट्र की काली मिट्टी वाले खेत और बिहार जैसे भोजपुरी बोलते हुए लोग मिलेंगे। तो दोस्तों, आप कभी मॉरिशस गए हैं या जाना है? अपना एक्सपीरियंस हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और हमें कमेंट में ये भी बताइए कि हम किन देशों के बारे में वीडियोस बनाएं। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड लास्टली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।